दोस्तों जब हम YouTube चैनल को मोनिटाइज के लिए रिव्यू में भेजना चाहते हैं तो उस टाइम हमें जो है एक Google AdSense का जरूरी पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक है कि हम एक मोबाइल में कितने Google AdSense को रख सकते हैं या फिर कितने Google AdSense जो है हम बना सकते हैं, क्या एक मोबाइल में 2, 3, 4 कितने Google AdSense अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। और इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप एक मोबाइल में कई गूगल एडसेंस अकाउंट को जो है रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको एक बात ये ध्यान देना होगा कि जब आप अपने चैनल को रिव्यू में भेजते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट को ऐड करके और आप जब मोनिटाइज के लिए अपील करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस टाइम जो है आपके उस डिवाइस में, आपके उस मोबाइल में कोई भी गूगल एडसेंस लॉगिन नहीं होना चाहिए, कोई भी गूगल एडसेंस का अकाउंट ओपन नहीं होना चाहिए। उसको या तो आप लॉग आउट कर दीजिए या फिर आप किसी और मोबाइल में, जिस मोबाइल में कि आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट लॉग इन नहीं है, उस मोबाइल में आप वहां पर नया गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट करके आप चैनल को मोनिटाइज कर लीजिए। जब आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा उसके बाद आप एक ही मोबाइल में 1, 2, 3, 4 जितने भी गूगल एडसेंस को रखना चाहते हैं आप वहां पर रख सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। लेकिन जब आप रिव्यू में भेजेंगे उस टाइम आपको ये बात ध्यान देना होगा, आपको दूसरे मोबाइल से कर लेना है या फिर आप इस मोबाइल से करेंगे जिस मोबाइल में आप रखना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको पहला वाला जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है उसको आपको रिमूव करना होगा, हटाना होगा, तब आप नया ऐड कर पाएंगे। और जब आपका रिव्यू में जाके चैनल चेक होके मोनिटाइज हो जाएगा उसके बाद आप 2, 3 जितने भी चाहें आप अपने उस मोबाइल में, उस डिवाइस में, एक मोबाइल में आप अपने गूगल एडसेंस को, कई गूगल एडसेंस अकाउंट को रख सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, आपके लिए काफी यूजफुल हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और दोस्तों को भी पता चल सके कि ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए काफी नॉलेजफुल है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।